विस्थापन को समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो एगो प्रकाश की किरण यहाँ पर इंसिडेंट किया, इसको यहाँ पर ये हमारा मीडियम क्या है? वायु है। वायु से आ रहा है कांच में, तो मीडियम चेंज हो गया, तो यहाँ पर अपवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये क्या किया? रास्ता इसका बदल दिया, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, नहीं तो ये क्या होता? ऐसे सीधे निकल जाता था। इसको हम इस तरह से दिखा दिए हैं कि यदि यहाँ पर अपवर्तन नहीं होता तो ये आपतित किरण जो है कुछ इस प्रकार से सीधे निकल जाती है ना। यहाँ पर अपवर्तन के कारण इसका रास्ता बदल गया और फिर से यहाँ पर वायु हुआ, वायु में आ रहा है, यानी कि कांच के शरीर से निकल रहा है ना। तो यहाँ पर हम बताए थे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, विरल माध्यम किसको कहेंगे? जिसका अपवर्तनांक कम होता है। नहीं तो ये जिस विरल माध्यम से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि दूर चला जाए, नॉर्मल ड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि हमें पढ़ना है अभी पार्श्विक विस्थापन। नहीं तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दिए और यहाँ से ये कुछ इस तरह से चल गया, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दिए। बोला तो यहाँ पर जो हम परपेंडिकुलर लंबवत डिस्टेंस लिए, यहाँ पर ये एल एच एल, ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। तो ये क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर, हमेशा 90 डिग्री पर जो डिस्टेंस लिया जाएगा सीधा, वो क्या हो जाएगा? हमारा पार्श्विक विस्थापन। इसी बात को हम लिख दिए, ज्यादा दिन के बाद यदि भूल जाएंगे तो समझ लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जो कि यहाँ पर हम देखने को हमें मिल रहा है। अब इसको क्या समझेंगे प्रैक्टिकली? देखो जैसे कांच का सिल्ली लिए हम, ये क्या लिए हैं? कांच का सिल्ली, स्लैब ग्लास का है ना। हालांकि यहाँ पर उसको हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो लाइट होता है रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, वो हमको अंधेरा करना होगा और एक अच्छा सा सफ़ेद पेपर लेना होगा, उस पर जाता हुआ हमको दिखाना होगा। ये जैसे ग्लास का स्लैब है, यही है, हम यहाँ पर कल्पना करके समझ सकते हैं। इसमें रे ऑफ लाइट जो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको दो लाइट जाता हुआ दिखाई देगा। एक वो होता है जो इंसिडेंट कर रहा होता है और एक वो है जो रिफ्लेक्ट होकर के, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होकर के, यानी कि अपवर्तित होकर के जा रहा होगा, है ना। ये देखो दो गो लाइट दिखाई दे रहा है स्लैब में, एक वो सीधा निकल गया जी। बोलो, और एक लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होकर के उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस मिलेगा उसी को परपेंडिकुलर माप लेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ आएगा? तो इसको घर पर जाकर के कागज पर रख करके स्लेब के साथ एक्सपेरिमेंट करके समझ सकता है। ऐसे पढ़ने से क्या होता है? बहुत फायदा होता है, आपको एक तो इंटरेस्ट रहेगा, और जब ये जो चीज में आदमी इंटरेस्ट लेता है ना, फिर उसको नहीं भूलता है। फिल्म देखते हैं, ये मेरा फेवरेट हीरो का है, बकलोलो फिल्म रहेगा तो ओकरा याद हो जाएगा पूरा कहानी, क्या है, पूरा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। नहीं, इसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई है, इसको जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और जितना इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाया जाता है वो उतना इजी हो जाता है, तब बोझ नहीं लगेगा शिक्षा, डेली स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, समझ में। तो इसलिए पढ़ाई को अपने आप से, जैसे बोले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसी भी ग्लास में रखा हुआ पेंसिल या छड़ी हमें टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, एक्सपेरिमेंट से याद आया, सर हमें एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, हम लोग भी घर पर किए थे, अपवर्तन के कारण, जिंदगी भर याद रहेगा। तो ऐसे पढ़ा जाए ताकि अभी पढ़ रहे जो टॉपिक जो भी लड़का पढ़ता है ना जिस समय, उसको आसाने लगता है, वो याद भी रहता है कुछ दिनों तक। हमें याद लॉन्ग टाइम तक के लिए रखना है, उसके लिए हम इतना मेहनत से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझ में। और परीक्षा में तो पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन से या घुमा भी देगा तो बात हम पकड़ लेंगे ऊपर, है ना। चलो।